गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और भाई सुबह सुबह उठ गए हैं और यहाँ पर बच्चे फुल शैतानी कर रहे हैं और चीकू की छुट्टियाँ चल रही है पूरी रेगुलर, है ना चीकू? हाँ जी पापा, दो तारीख को सारे स्टार्ट होंगे। तो गाइस, जैद का बर्थडे आने वाला है और पहले साल का वह बर्थडे है, तो इसका बर्थडे हम करने वाले बहुत ज्यादा ग्रैंड, तो उसकी तैयारी आज शुरू कर देंगे। उसके बाद आएगा तूबा और अयान का, उसके बाद आएगा चीकू का। तो हमारे चारों बच्चे का बर्थडे इस बार हमने सोचा है कि बहुत धूमधाम से मनाने वाले हैं। तो एक बात बिल्कुल सच है कि पैदा होते बच्चे के हाथ में अगर पैसे देते वो भी ले लेता है, और थोड़ा सा बड़ा होता है तो हाथ से फोन नहीं छोड़ता। थोड़ी मिरर हो रहा है फोन। अभी तूने पहले गाना चला रखा था और डांस खुद ही गाना चलाया था, खुद डांस। तो गाइस, अब ज्यादा दिन नहीं बचे हैं, बच्चे के बर्थडे आ रहे वाले हैं, तो तीनों बच्चों का बर्थडे जो है बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने वाले हैं। साथ ही साथ हमारे घर में जागरण की तैयारियां भी होने वाली हैं, क्योंकि काफी टाइम हो गया बोल रहे थे जागरण करना, तो जागरण भी होगा। अब जागरण किसके बर्थडे पे होगा वो आप गेस करना, क्योंकि इन तीनों में से किसी एक बच्चे के बर्थडे पे जो होगा जागरण होगा। बाकी बर्थडे हम लोग अलग अलग तरीके से सेलिब्रेट करने वाले। मम्मा, मेरे बर्थडे पे ना आप पूल पार्टी करना। पूल पार्टी? हाँ जी, जैसे बहुत पहले की थी। हाँ ठीक है। जैदू आप भी बता दो आपके बर्थडे पे क्या करें हम। मेरे बर्थडे पे ना आप केक कटवा लें। बस इतना छोटा बर्थडे? इतना छोटा बर्थडे थोड़ी करेंगे हम। क्या हम चाहिए बर्थडे तो ग्रैंड करेंगे बच्चे का। बर्थडे पे क्या चाहिए? मेरे को चाहिए टॉय कार। तो कितने कॉकरोच मार दिए पहले? मैंने कम से कम भी यार गिनती नहीं है इतने मरे। और अभी भी ना मैं पूरे में फिनाइल, अब क्योंकि हमारे पास गेंडा फिनाइल है, उसको पानी में डाल के उसको ना स्पॉन्ज से पूरी किचन को क्लीन करा रही, ताकि उसकी फ्रेगनेंस से भी थोड़ा बहुत जो अगर बचा होगा इधर कोने कोने में वो निकल जाएगा। और ये सब कुछ मेरी देखरेख में हो रहा है, ये मैंने बोल दिया। अगर मैं नहीं बोलता ना, मुझे लग रहा था तुम एक महीना भी साफ नहीं करवाते इसको ना। यहाँ पर भाई इतने बर्तन है, मुझे लग रहा है इतने दुकान वाले की दुकान में भी नहीं होते। नहीं, रात को धोए मैंने सारे। क्या बात है पल। सारे धोए मैंने, कहा किचन क्लीन हो गई पर बर्तन नहीं धोएंगे तो क्या फायदा। इनपे घूम रहे थे सारे कॉकरोच, तो मैंने सही है सही है। एक काम करियो पहले ना, जो बता रहे तो गेंडा फिनाइल इससे साफ करके छोड़ दो, चार पांच घंटे पंखा चला दो, फिर साफ कपड़े से, मतलब हर उसमें साफ कपड़े से करा, उसको निचोड़ा फिर रखेंगे। और फिर पता क्या कर, हर महीने साफ करवा। ठीक। तो गाइस, आज आपको हम दे देते हैं सरप्राइज। आज हमारी किचन में आए एक नए मेहमान, शांति। तो शांति कह रही है भैया मैं तो यही खाना बनाया करूंगी, मुझे यहाँ बहुत खुला खुला लग रहा है, आराम से खाना वाना बन जाए, क्या बोलते हैं? शांति ने कल रात को भी खाना यही बनाया था। हाँ, क्योंकि वो पूरी बिजी है ना किचन के लिए। और यहाँ पे बच्चों का देखो, अयान के लिए जूते मंगाए बोलू ने चूचू करने वाले, और इतना अच्छे से उसमें खेल रहा है। तो भैया यहाँ पे कृष्णा चूचू वाले जूते पहन रखे जो बचपन में हमें भी चाहिए होते थे, है ना? आपको पहले मिल गए बिना मांगे। आओ इधर आओ, चल के आओ, पैर फंसा हुआ इसका। अच्छा, हाँ चलो आओ इधर आओ, इधर खड़ा हो ना बेटा, आ जा। सही है सही, आराम से। पकड़ लिया मैंने। तो गाइस, मैं ऐसा सोच रही हूँ कि आप लोगों को ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप अपने बच्चों को क्या खिलाते हो, प्लीज हमें बताओ। तो बच्चों के लिए जो भी खाने पीने का बनेगा ना, वो इसी किचन में बनेगा, और मैं वो सब आपको दिखाऊंगी। और ये जो है ना, मेरे बालों को इसलिए खींच रही है क्योंकि इसके कंघी मेरे बालों में, इसलिए कंघी चाहिए, और ये कंघी ना मुंह में डाल रही है इसलिए मैंने अपने बालों में रखी। तो अभी इनके लिए जो बनाया वो बनाया है पनीर का परांठा। तो भाई कल बर्तन तो साफ हो गए थे, अभी ना सारे डब्बे साफ कर रही हूँ मैं, जैसे बड़े बड़े डब्बों में थोड़ी थोड़ी चीज रखी है वो सब शिफ्ट कर रही हूँ, बाकी बड़े डब्बों में बाकी सारी चीजें डाल सकते हैं। तो ये सारा बच्चों का वो मसाला है जो बच्चों के लिए यूज होता है, इसके लिए मैंने एक डब्बा पूरा बना रखा है, और यहाँ पे बच्चों के खाने के लिए एक डब्बा बना रखा है। तो गाइस, बच्चे नहा चुके हैं, बच्चों को मैंने रख दिया है बच्चों के बेड में और उसको कर दिया ऊपर। एक काम करो बच्चों, तुम लोग खेलो, मम्मा काम कर रही है, ठीक है? इनको तो डर भी लगता है आजकल छोड़ते हुए, जिसको मारे ना, ठीक है? हाँ तुको, हाँ ये मम्मा, ये बोल। इनको मैंने बर्तन दिया खेलने के लिए, टॉयस तो खेलते नहीं है ये लोग। नया टॉय, खेलो बैठ के खेलो। अकड़ दे अकड़ दे, देखो बैठेगी नहीं, बैठो बेटा, नहीं बैठना। तो यहाँ पे तू हमारी पूरी हेल्प करिए, दोनों बच्चे सो गए लड़के, उनको कोई मतलब नहीं था, पर तू मदद करिए, सारे डब्बे उठा के रखेगी। अब जैसे डब्बा है ये पकड़ो तूबा, और तूबा ये पकड़ो, चलो लेके चलो अंदर, सबको पकड़ के रखना ध्यान से। तीन चार डब्बे पकड़ लेगी वाली करके, लड़कियाँ हेल्प करवाती है हमेशा घर में। तो वही यहाँ पर भी सफाई चल रही है फिर जोरों शोरों से, क्योंकि हमारी ये वाली जो किचन है ना, हम खाना वाना तो बनाते हैं पर सारा सामान ना नीचे रख देते हैं, फिर वो सेट नहीं रहता। तो अभी सारा सामान सेट करके रखेंगे, प्लेट किस साइड रहेगी, बाकी सारा सामान मतलब कि जो हमारी डेजर्ट प्लेट है वो किस साइड रहेगी, सार मेजरिंग कप किस साइड रहेंगे, सब समेट के रखेंगे। यहाँ पर ना हम रोल लगा रहे हैं क्योंकि ना किचन का जो नीचे का शेल्फ है ना खराब हो। तो ये वाला ना बच्चों के रूम के लिए लेकर आई थी फ्रेगनेंस वाला, क्योंकि क्या ना फ्रेगनेंस बहुत जरूरी है, तो 30 डेज का होता है।
तो इसे मैं लगा देती हूँ कहीं। टांग कर कहाँ लगाऊंगी? एसी में टांग दो। एसी में टांगू? ठीक है, यहाँ पे हाँ लग गया कुछ बारी ना। हाँ सही है, ये 30 डेज के लिए बच्चों के रूम में लग गया। तो गाइस कुछ टाइम पहले ऑनलाइन मैंने ये मंगवाया था, ये स्टैंड था, इन्होंने पसंद किया था, दो चार चीजें पसंद की थी और ये, तो ये सारा सामान ना हम लटका रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, ताकि ये नहीं लटका, जो भी सामान चाहिए हो ना वो सामने दिख जाए। और कैंची टंगेगी और टोंग टोंग टॉम भी रख सकते हैं टॉम। मैं ना सारे मसाले इसमें सेट कर रही हूँ, ऐसे ना थोड़े अच्छे नहीं लग रहे। तुम्हारे बहुत सारी चीजें हैं, सिनेमन पाउडर, रोजमेरी, जिंजर पाउडर, ऑली, पार्सले, बहुत कुछ है, सब इधर सेट कर। तो ना सारे मसाले सोच रहे एक में कर देती हूँ, क्योंकि टोकरी में कोई छोटी छोटी मिल नहीं रही है और मसाले हैं बहुत सारे, इसमें सेट करने के बजाय सब एक में कर देती हूँ। तो गाइस मैंने सोचा यहाँ से भी सामान निकाल देती हूँ, क्योंकि ना सारा का सारा सामान ना हमारा पूरा घर सेट हो रहा है, तो ये रेवड़ियाँ मूंगफलियाँ ये सब बाहर निकाल देते हैं, बाहर निकलेगा तभी हम लोग खाएंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान फैला हुआ है। तो भाई सुबह 11:30-12 बजे लगे थे हम काम करने और अभी बच चुके हैं, मेरे को लगे 11:30 तो अभी बच चुके हैं 1:30 और 2 बच्चे सो रहे हैं आराम से। यहाँ पे मैं दिखा देती हूँ हमको, इस घर में सो रहे हैं 2 बच्चे आराम से और एक बच्ची जो है जब से नहाई है तब से सो ही नहीं है। हमने पूरी कोशिश करी कि थोड़ी देर सो जाए, 2 से 3 बार कोशिश करी सो जाए। और यहाँ पे ना इतना सारा सामान पड़ा हुआ है जो कि हम नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं। ये जो है ना ये हमारे को उनमें मिलता है पैकेट, नहीं आते गिफ्ट पैकेट, उनमें निकलता है। तो ये सारा भी दे देंगे जिसको खाना खा लेंगे। और इसमें से किसी भी चीज की डेट एक्सपायर नहीं है, कुछ नहीं है, पर हम लोग खाते नहीं है रेवड़ी गज्जक, मीठा बहुत कम खाते हैं। अभी मैंने गुजिया बनाई थी ना वो भी हमने एक सबने खाई थी, बाकी सब अब शांति वगैरह सब लोग खा रहे हैं, क्योंकि देखो जिसको पसंद है उसे तो खाना चाहिए। ये लड़की सारा दिन इसको उठा के रखती है, सारा दिन इसके पीछे पड़ी रहती है और ये भी इसके साथ अब मेरे को देख लिया तो रोनी है। इतनी देर से निक्की तेरे को खिला रही थी, तू किसी के पास नहीं जा रही थी, अब तूने मुझे देख लिया, कैमरा चला रखा मम्मी ने है और तू रोने लगी। इसको नीचे उतरना है निक्की, नीचे उतरना है सिरे। अभी नहा के आइए, तू ये सारे बर्तन वो निकले जिनके ढक्कन नहीं है, ये नहीं है वो नहीं है, तो ये सारा मैंने किचन से ना निकाल दिया, क्योंकि चीजें पड़ी तो कोई काम आ नहीं रही है और वेस्ट है, तो वेस्ट मैंने निकाल दिया सारा। खाने पीने का भी बहुत सारा सामान ऐसा था जो डब्बों में पड़ा सील रहा था, कोई खा नहीं रहा था, तो अब वही चीज खुलेगी जो कोई खाएगा और वही चीज आएगी जो कोई खाएगा, फालतू चीज नहीं आने दूंगी घर में। ये सारे बर्तन धुल चुके हैं, सारे डब्बे पोंछ चुके हैं, बस एक भैया आने वाले पेस्टिसाइड वाले, वो हर्बल वाला लेके आ रहे हैं, तो मैं एक बार उनसे पूछ लेती हूँ कि सामान लगा दूं या फिर आपके आने के बाद आप जब स्प्रे कर दोगे उसके बाद लगेगा। अगर वो कहते हैं लगा दो ऊपर से हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर उनके आने के, क्योंकि वो बोल रहे 3 बजे के करीब आएंगे और जब तक वो आएंगे नहीं तो घर की सफाई होगी नहीं। तो गाइस पायल का हाथ कट गया है, वो अंदर ना चॉपर वाली जो ब्लेड है ना वो पड़ी हुई थी और उसकी वजह से उसका हाथ कट गया। सेम मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ था जब मम्मी के घर पे थी, समझ कौन सी ब्लेड कह रही हूँ, चॉपर वाली में दोनों चीजें ली तो ली है। चीकू पापा पायल का हाथ कट गया ब्लेड से लग गई, अंदर सफाई कर रही थी ना यहाँ पे वो रखा, तो क्या जरूरत पड़ी है सामान से, इतने सारे लोग हैं घर में, सामान सेट कर दी थी, सामान सेट कर दी थी, जब इतने लोग रहे तुझे क्या जरूरत है, तो ये काम कर, पूरी उंगली काट के आते हैं चाकू से, काटो इसको अक्कल नाम की चीज है, छोड़ इनको सारी चीजों को अपने आप करेंगे। तो गाइस शावर हो गया एकदम डन, तो मैं सोच रही हूँ काम करती हूँ, सबसे पहले पैकिंग कर देती हूँ जैद की, क्योंकि देखो बच्चों के साथ जाना ना बड़ा मुश्किल काम होता है, हर एक चीज ना पैक होनी चाहिए, हर एक चीज ऐसा ना हो कि कोई चीज की कमी हो जाए, तो मुझे 1 घंटा तो लगेगा जैद की पैकिंग करने में, तो पहले उसकी पैकिंग करती हूँ। तो गाइस ये सारी पैकिंग अभी सिर्फ जैद की है, मैं पूरा डायपर लेके जा रही हूँ क्योंकि हमें पता नहीं हमें 3 दिन लगेंगे 4 दिन लगेंगे। इसमें जैद के कपड़े हैं, इसमें जैद का सारा खाने पीने का सामान है, उसके अंडरवेयर, उसके डायपर, उसकी बनियान, उसकी रैश क्रीम मंगवाई है वो आ गई है, उसका टावल, उसकी बेब, सारा सामान होता है ना बच्चों का, तो मैंने जैद की पैकिंग करी है, मुझे भी इसमें 1/2 घंटा लग गया। तो आज हमारे पूरे घर में सफाई का अभियान इतना ज्यादा चल रहा है, इतना ज्यादा चल रहा है पूछो मत, हमें लग रहा है कि हम दिवाली की सफाइयां कर रहे हैं। तो गोलू ने तो पैकिंग कर रही है, गोलू कह रही है भाई मैं अपने घर जा रही हूँ, तुम अपनी सफाई सुबह करो, मैं अपने बच्चे को लेकर थोड़ी देर नानी में घुमा के ला रही हूँ। हाँ मैंने तो जैद की पैकिंग कर दी पहले, ठीक है अब मैं कर रही हूँ अपनी पैकिंग। ये जैद का खाने पीने का सामान है, ये जैद के कपड़े हैं, इसमें जैद के बाकी चीजें जैसे सॉक्स हो गई, टोपी हो गई, मिटन्स हो गई, बूटीज हो गई, चप्पल हो गई, चूचू वाले जूते हो गए, ये सब हो गया, और ये हमें गाड़ी में रखना है, ये एक्स्ट्रा डायपर का पैकेट। तो गाइस हम जा रहे हैं अजमेर शरीफ, पहले हम दिल्ली जाएंगे, वहाँ पे मेरे 2 से 3 इंटरव्यू हैं वो निपटाने हैं, उसके बाद मम्मी भी जाएगी, क्योंकि जब हमारा भाई बीमार हुआ था, गोलू का भाई जो बीमार हुआ था, तो मम्मी ने बोला था जैसे ये ठीक हो जाता है मैं अजमेर शरीफ आऊंगी, तो हम सोचते हैं कि वो मत्था भी साथ साथ हम वो रखा है ना। हाँ और मैंने ना जैद के जो पैसे वार के रखे थे वो भी मैंने अपने अपने अभी जस्ट अपने लगेज में रखे हैं, और जब कोको घूम गई थी ना तब भी मैंने पैसे मारे थे, तो कोको के पैसे भी मैंने अंदर रख दिए, तो दोनों पैसे मैं अजमेर शरीफ के नाम के थे वहाँ जाके चढ़ा दूंगी। तो
खाने की तैयारी हो गई है पूरी, तो हम निकल रहे हैं। ध्यान रखियो बच्चों का, तबीयत से अपना भी ध्यान रखियो जी, ठीक है। हाँ। और मुझे लगे 4 से 5 दिन आने में। 4 से 5 दिन? 2 दिन तो ये हो गया, मैं सिर्फ जाऊंगा वापिस आऊंगा, इंटरव्यू भी है। हाँ। तो गाइस सुबह से अब ये टाइम हो गया, 7 बज गए और 7 बजे तक भी जो है सफाई अभियान घर पे चल ही रहा है। अभी जो है ये वाला जो पूरा किचन है वो मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है, उसमें अब कोई गंदगी नहीं रहेगी। और यहाँ पे देखो आनू को, देखो आनू घी गए तो मेरे बेटे, आप घी गए तो ऐसे क्यों चल रहे हो, आप घी गए तो मेरे सुंदर घी गए तो अयान ना आजकल अपना सहारा ले लेता है खुद ही, और खुद ही सहारा लेके उठ जाता है। अभी नीचे से उठ सहारा ये लिया इसने चेयर का और चल पड़ा। देखो देखो चेयर पे बैठना है, मम्मा बैठा दे। ओके आनू ठीक है, ठीक है। और देखो खुद ही उतर गया, देख रहे हो आप इसका कमाल। चलो आनू घुमा के घुमाए घुमाए कर रख लाती हूँ। चलो आनू चलो 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 वेरी गुड, गोल गोल चक्कर काट रहा है, वेरी गुड। इतना शोर कौन मचाता घर में। निकी चप्पल बाहर रख दे, तू बा दे दो, मामा रख के आएगी धोने के लिए रख के आएगी। आपको वॉकल पे बिठाया था कि आप बाहर घूमो, आप किचन में कहा कर ले, चलो बाहर, मामा किचन दिखा रही है। तो गाइस ये वाला किचन जो है सारा बिल्कुल अच्छे से साफ हो गया, इसके सारे ड्रॉर्स खोल खोल के जो सामान काम का था वो वापस रख दिया, जो सामान काम का नहीं था वो निकाल दिया, क्योंकि रखने का कोई फायदा नहीं है उसमें, फिर ना रखे रखे खराब ही होता है। तो ये ड्रॉर पूरा मैंने खाली कर दिया है। और ये सेटर ना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इस सेटर में ना सब कुछ कुछ भी रख लो यहाँ पे वो छुप जाता है, तो गेस्ट अगर आएंगे ना तो भी अच्छा लगेगा। और ये दोनों बास्केट मुझे बहुत प्यारी लगती है, तो वहाँ की ना टोकरी मैंने पूरी हटा दी। ओए आनू को देखो, इस पे लटक रहा है, ये तोड़ देगा फिर। इसको हमेशा हम यहाँ लगाते हैं कि ये टूटे ना, और अयान वापस खींच लेता है इसे, तो मुझे ये वापस यहाँ डालनी पड़ेगी। तो बर्तन धोने हैं कि तोड़ने हैं। तो यहाँ पे आज इसी किचन में वापस से बन रहा है बच्चों के लिए दलिया, क्योंकि अभी हमारा जैद तो जा चुका है दिल्ली गोलू के साथ, तो अयान और तूबा हैं, तो मैं इन दोनों के लिए दलिया बना रही हूँ यहीं पे। तो भाई ये सारा सामान जो है आज भी जो भैया आए ना घर में दवाई छिड़कने, उन्होंने मना कर दिया कि आज भी ही नहीं आपका किचन में सामान सेट होगा, ये सब आप कल करना, अभी दवाई छिड़के हम सुबह आके एक बार और छिड़केंगे, क्योंकि जो मैंने हिट करा था ना वो हिट से आधे कॉकरोचेस निकले थे, आधे अब आज जो है दवाई के साथ निकले। और ये जो दवाई इन्होंने यूज करी है ना, मेरे को बोला था 2 तरीके की दवाई होती है, एक होती है हर्बल और एक होती है नॉर्मल, तो मैंने हर्बल वाली दवाई जो है वो यूज कराई है अंदर। यहाँ पे भी ना बहुत ज्यादा गंदगी थी, बहुत ही ज्यादा गंदगी थी, ये सब भी मैंने क्लीन करा दिया। यहाँ पे बैग वगैरह, और ये ना हमारी सब्जी की टोकरी थी जिसका ना एक स्टैंड का ना जो टायर था वो पता नहीं कहाँ चला गया, तो मैंने ये हटवा दिए। यहाँ की प्याज और आलू जो है मैंने उस टोकरी दिखाई दूसरे वाले किचन में, उसमें डलवा दिए। मैंने कहा इसका पहले टायर लगवाएंगे उसके बाद इसे यूज करेंगे, नहीं तो अभी इसको उठा के रख दूंगी, क्योंकि जगह बहुत सारी है घर में रखने वाली, वहाँ रख दूंगी। मम्मा मेरे को खाना है बहुत दिन से मन कर रहा है। बेटा अभी माइक्रोवेव सेट नहीं हो चुके। मम्मा तवे पे बना दो फिर। तवे पे बनता ही नहीं, तो इसको खोल के ना। मैं भी माइक्रोवेव सेट करवाती हूँ आपके लिए। चलो बाय कर दो, चलो वापस। मेरे पास आता है फिर बात। बोलो बोलो चाचा। कहाँ है चाचा? कहाँ चाचा? कहाँ है चाचा? चाचा अनु बोलो बोलो चाचा। जाओ जाओ चाचा बुला ले, चाचा बुलाओ, चाचा चाचा बुलाओ। तो भाई यहाँ पे दलिया हो चुका है बिल्कुल रेडी बच्चों का, तो अब दलिया खिला दे। तो ये वाले किचन में ये खाना बन रहा है, तो यहीं पे बनाया था दलिया। और मेरा ना ये आपको दिखाती, ये वाली उंगली पूरी कट गई थी, इसकी वजह से अरमान जी बहुत गुस्सा हो गए थे, उन्होंने बहुत गुस्सा किया कि जब इतने लोग हैं काम वाले तो क्यों करती है। लेकिन घर के जो किचन होती है ना उसमें सामान कहाँ कौन सा रखना है, कौन सा नहीं रखना, कौन सा सामान काम का है कौन सा नहीं काम, वो खुद ही घर वाले ही देख सकते हैं। क्योंकि देखो जितने भी लोग हमारे घर में काम करने वो पूरा काम संभाल लेते हैं, पर क्या चीज रखनी है क्या चीज हटानी है वो मुझे खुद ही देखनी पड़ेगी, इसलिए मैं वही कर रही थी बस। आपको कितनी देर से बोल रही हूँ चाकू से मत खेलो चीकू, चाकू लग जाएगा बेटा, ऑलरेडी मुझे भात में लग गई है। रखो फिर। तो आज डिनर में बने हैं आलू, सूखे आलू बनाए क्योंकि चीकू की फेवरेट है, चीकू ने बोला मम्मा यही खाना है, तो हमने सबके लिए यही बनाया है। चीकू ये इंक बाहर फेंको पूरे घर में फैल जाएगी बेटा, क्योंकि इंक है वो, फेंको इसे। चलो कैसे बनती है मैं बता दूंगी, चलो पहले फेंक आओ। तो गाइस घर से कोई भी जाता है ना तो घर ना सुनसान सा हो जाता है, चाहे मैं हूँ चाहे गोलू है चाहे गोलू के पापा या कोई भी बच्चा हो, तो घर ना सुनसान सा लगता है, ऐसे लग रहा है। हाँ चीकू के पापा, गोलू के पापा बोल दिया, क्योंकि ज्यादातर लोग ना जब भी हमें मिलते हैं ना तो चीकू को गोलू बोलते हैं, तो मेरे मुंह से भी गोलू निकल गया, तो ना ऐसा लग रहा है कि घर में ना कुछ खा लिया कुछ खा लिया है। तो घर सच में बहुत ज्यादा खाली लग रहा है, हमारा जैद नहीं है घर पे, गोलू नहीं है, अरमान जी नहीं है, तो सच में सूरज भी है नहीं है, लक्ष्य नहीं है, बहुत सारे लोग नहीं है घर पे, तो घर में ना खाली खालीपन लग रहा है। ये क्या चीकू? पेन की इंक डाल दिया इसमें मैंने। क्यों? पेन का वो डाला है जो थोड़ा छोटा। क्यों क्यों डाला? छोटा सा टुकड़ा डाला है। क्यों बेटे ये तो बताओ। मजा आ रहा था मेरे को, ऐसा ब्लू हो गया ना इसलिए मजा आ रहा। तो बस गाइस दोनों बच्चे सो चुके हैं, ये तीसरा बच्चा जो है ना बड़ा वाला उसको मुझे सुलाना पड़ेगा, तो मैं इस व्लॉग को यहीं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जाके सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। और गाइस हमारा गाना आने वाला है, बहुत ही बढ़िया गाना है, गाने का नाम नागनी है, जब भी आएगा मैं अपडेट करूंगी। ऑलरेडी रील्स जो है इंस्टाग्राम पे चल रही है, जिसने नहीं बनाई है जल्दी जाके रील्स भी बना लेना। बाय बाय, गुड नाइट।